कल रात नाइट क्लब के बारे में आहाना को पता चल गया। उसे तेरी सीक्रेट्स पता ना? इससे पहले आहाना कुछ एम को बताए, सोच मैं अगर एम को आहाना की सीक्रेट्स बता दूं तो। लैला रायचंद आपसे शादी करना चाहती थी, और शादी किसने की? आहाना ने। आहाना रायचंद ने सिर्फ आपको ही नहीं, अपनी खुद की माँ को भी धोखा दिया। रेहान, बात हुई? क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, कुछ कहा नहीं। ऐसी क्या बात हुई बताओ मुझे। तारा हाना को घर से निकालने वाले? नहीं रोशनी, मुझे नहीं पता यार। I'm sorry, please. बस मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। रेहान मैंने क्या किया, मुझ पे गुस्सा क्यों उतार रहे हो? जाने से पहले तो तुम बिल्कुल ठीक थे, अब क्या हो गया? रोशनी प्लीज यार, व्हाट इज इट? बोलो, से समथिंग रोशनी प्लीज। रेहान ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो तुम मुझे नहीं बता सकते? प्रॉब्लम ये है कि आज तेरे से अच्छी तरीके से बात करने का कोटा खत्म। अब प्लीज रेहान स्लीप। रेहान ओपन द डोर यार, खोलो ना। रोशनी रुको। मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। मैं सोच रही थी हम साथ में बैठ के बिस्किट्स खाएं, चाय पिए, बातें करें। मैं चाय नहीं पीती, इतना तो तुम्हें अभी तक पता होना चाहिए ना? और वैसे भी आज डैड भी तुम्हारे साथ चाय नहीं पियेंगे। रोशनी मैं तुमसे बात कर रही हूँ, प्लीज। क्या प्रॉब्लम है? तुम ऐसे गुस्से से क्यों बात करती हो मुझसे? क्यों रूड हो? अगर मैं तुम्हें रूड लगती हूँ तो मुझसे मत बात करो। रोशनी जब तुम ऐसे बात करती हो मुझे बहुत हर्ट होता है, मुझे बुरा लगता है, और अनंत को भी बुरा लगता है, वो भी हर्ट हो जाते। डैड को सबसे ज्यादा हर्ट किसने किया है वो हम दोनों अच्छी तरह से जानते हैं। आहना, आहना, डैड चले गए, रुके ही नहीं। मैंने रोकने की बहुत कोशिश की उन्हें, लगता है डैड मुझसे अब भी गुस्सा है। बिल्कुल गुस्सा नहीं, वो किसी काम से गए होंगे। तुझको नहीं इजाजत दहलीज से ना उतर। खुशियाँ नहीं इस राह में, मिलते हैं हम इस चाह में गम से। आना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सो मिस्टर अनंत माथुर, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। अगर आप अब भी मुझसे शादी करना चाहते हैं तो। अनंत से शादी करके वो ना सिर्फ अपनी माँ को धोखा दे रही है बल्कि अनंत को भी धोखे में रख रही है। ऐ दिल ना कर, तू चाहते मेरे पैसों के लिए शादी नहीं की। आई रियली लव यू, आई मीन इट, मैं ऐसी नहीं हूँ। मेरे पैसों के लिए शादी नहीं की, खुद तक झूठ कह रहा है। मैं जानता हूँ।
लैला रायचंद आपसे शादी करना चाहती थी और शादी किसने की? आहना ने। और क्यों? क्योंकि आहना अपनी माँ को नीचा दिखाना चाहती थी। अच्छा सलोनी, मैं तुझसे बाद में बात करूं प्लीज। एक मिनट, तारुण को फोन देगी? हाँ ये लो। मुझे बात करनी है। हेलो। हाय तारुण। हाय आना, क्या हुआ? तारुण, कोई आज इम्पोर्टेंट मीटिंग है क्या? अनंत ऑफिस गए? नहीं, ऑफिस में तो नहीं है, और जहाँ तक मुझे पता है कोई मीटिंग भी नहीं है। क्यों, क्या हुआ? इज एवरीथिंग ओके? नहीं, कुछ हुआ नहीं। बस अनंत बिना बताए घर से चले गए, तो मुझे लगा कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग होगी तो इसलिए पूछ रही थी। ओके, तुम उन्हें फोन कर लो ना, पता चल जाएगा कहाँ पर हैं। अनंत अपना फोन घर पे छोड़ के चले गए हैं। मैंने कांटेक्ट कैसे करूं? नहीं तो तुम्हें क्यों डिस्टर्ब करती? मुझे लगा शायद तुम्हें पता होगा। एक सेकेंड, जस्ट होल्ड ऑन। आहना, मुझे एक बात पक्का पता है कि आनंद जी तुझसे ज्यादा देर दूर नहीं रह सकते। अरे काम हुआ भी तो वापस आ जाएंगे थोड़ी देर में। सलोनी, अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है? बाय बाय। कम ऑन लैला, आज सबको सब कुछ सच सच बता दो कि तुमने किस बेटी का सौदा कितने में किया। तुम्हारी बीवी ने तुमसे नहीं, तुम्हारे पैसों से शादी की है। पैसों का लालच इसके खून में है। पैसों से याद आया, इस औरत ने मेरे बेटे के लिए मुझे दुल्हन बेची थी 3 करोड़ में। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो अनंत, ये लड़की तुम्हें तबाह कर देगी। तुम्हारा भी वही हाल होगा जो इसके बाप का हुआ था। गुप्ता बड़ा खुश है, सबको फोन करके बता रहा है। मुझे तो लगता है कल के न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पर ऐड छापेगा, अनंत के बिजनेस के अंत की शुरुआत। आई थिंक ही इज लॉस्ट इट। एक छोटे से कॉन्ट्रैक्ट से अनंत का अंत नहीं होगा शैली। हाँ, तरुण और उसके बाप के रिश्ते का अंत जरूर हुआ है। आई थिंक इसलिए गुप्ता पागल हो गया। मुझे तो गुप्ता के नाम से गुस्सा आता है। ये रेखा कैसे झेलती है उसे मैं नहीं समझ सकती। रेखा के पास कोई और चारा नहीं है, गुप्ता की बीवी है वो। वैसे कोई और भी है रेखा के अलावा जो उसे झेलता है। रियली? लगता है लंबी लिस्ट है शैली। कौन कौन है उस लिस्ट पर? हो सकता है भी और शायद नहीं भी। वो क्या है ना, मुझे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा, लेकिन अगर एक और ड्रिंक लूंगी ना तो यूं याद आ जाएगा। हाँ तो ले लो ना, मना कौन कर रहा है। लेकिन मैं तुम्हें ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी। अरे कहाँ जा रही हो? बूढ़ी हो गई हो तुम, याददाश्त खराब हो गई तुम्हारी शैली। मैंने तुम्हें अभी अभी बताया था कि मैं अनंत से मिलने जा रही हूँ। तरुण को समझने के लिए और उसे ट्रस्ट करने के लिए थैंक यू कहने जा रही हूँ। किट्टू, मैं घर पर डिनर के लिए नहीं हूं। पर इतना लेट, आई मीन आर यू श्योर? सास हो उसकी, बेवक्त भी जा सकती हूं। लेकिन मुझे वो लिस्ट चाहिए, प्लीज भूलना मत। तुम मुझे भूलने दोगी क्या? वेल, वाह रश, आज डिनर में पास्ता है, आ जा। नहीं, मुझे भूख ही नहीं है, डैड आएंगे तो खा लूंगी। रोशनी बैठो। बैठो।
रेहान, तुम्हें पता है अनंत कहाँ है? नहीं, मुझे कैसे पता होगा? आज से पहले अनंत जी ने कभी ऐसे नहीं किया। हेलो, हाय मॉम। हेलो, हेलो, हाय रोशनी। हेलो, आज हम आपके घर पर लंच करने आए थे, तो आप हमारे घर पर डिनर करने आए हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं एक्चुअली अनंत को थैंक यू कहने आई थी लंच पर आने के लिए। वैसे वो नजर नहीं आ रहे, कहाँ हैं? अभी तक घर नहीं आया। वो घर पर आए थे पर वापस चले गए, बहुत गुस्से में थे। ओ, अच्छा। आना, उन्हें फोन किया है? कोई जरूरी काम था? मैंने ऑफिस में फोन किया था, वो ऑफिस में नहीं। अनंत नाराज था, कुछ हुआ तुम दोनों के बीच? मैं उनसे शाम से नहीं मिली, क्या होगा हमारे बीच? आइए मॉम, डिनर कीजिए। मुझे भूख नहीं है। एक्सक्यूज मी। रोशनी रुको, बैठो तुम, कहीं नहीं जाना है तुम्हें, डिनर खत्म करो पहले। मैं एक सेकेंड। रेहान, कहाँ जा रहे हो तुम? ऐसा क्या कर दिया तुमने कि तुम्हें भागने की जरूरत महसूस हो रही है? मैं क्यों भागूंगा लैला जी? मेरी नजरें बहुत तेज है रेहान, मेरी आंखों को झूठ दिख जाता है। फिर तो आपकी नजरें कमजोर हो गई है लैला जी, क्योंकि आज तो मैंने झूठ नहीं, फाइनली सच बोला है। आज नहीं तो कल ही हमको सच पता चलना ही था। तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया रेहान? अपने एम को इतनी गहरी चोट पहुंचाई है तुमने। उन्हें कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए था तुम्हें। से कमाल है आप और आपकी बेटी आहना। आहना ने आज तक एम की लाइफ उनकी फीलिंग्स के साथ खेलने से पहले कभी नहीं सोचा, और आप चाहती हैं कि मैं एम को सच बताने से पहले सोचूं? हाँ, क्योंकि तुम्हें फिक्र हो ना हो, मुझे उनकी फिक्र है। कम ऑन लैला जी, एम की फिक्र करने का नाटक बंद कीजिए। आना और आपको आज तक अपने अलावा किसी और की फिक्र नहीं हुई है, और आप दोनों ने एम के साथ जो किया है ना, उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। आए हैं तो खाना खा के जाइएगा। मॉम, अब अनंत के फोन पे क्यों फोन कर रहे हो? अनंत परेशान है, नाराज है। अनंत उसे रेहान ने सच बताया है। रेहान ने उसे ये बताया है कि तुमने उससे सिर्फ इसलिए शादी की है क्योंकि तुम मेरा घर मुझे छोड़कर जाना चाहती थी। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना, तो मैं तो आना से कह देती कि रेहान झूठ बोल रहा है। मॉम प्लीज, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत कीजिए। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ? इतनी हैरान क्यों हूँ? एक माँ अपनी बेटी से मिलने नहीं आ सकती? आप नहीं आ सकती, जरूर कोई मकसद है इसलिए आप आई हैं। तो बता दीजिए ना, क्या चाहिए आपको? पैसे चाहिए अनंत से, इसलिए आई हैं? मैं इतनी भी मतलबी नहीं हूँ आना, और अनंत मुझे कुछ नहीं दे सकता, और शायद अब तुम्हें भी नहीं देगा। बहुत परेशान हूं तुम्हारे लिए,
फिक्र हो रही है मुझे तुम्हारी। अच्छा बताइए क्या बात है, मुद्दे पे आइए, क्या चाहिए आपको? मुझे इतनी अच्छी तरह जानने का दावा करती हो, अपने पति को कितना जानती हो तुम? अनंत ने पहले कभी ऐसा किया है? अपने बच्चों को बिना कुछ बोले बिना कुछ बताए इस तरह गया है वो कभी? अनंत परेशान है, नाराज है। अनंत वो मेरे घर से किसी बिजनेस डील की वजह से नाराज होकर नहीं निकला था आना, उसे रेहान ने सच बताया है। रेहान ने उसे ये बताया है कि तुमने उससे सिर्फ इसलिए शादी की है क्योंकि तुम मेरा घर मुझे छोड़कर जाना चाहती थी। तो तुम्हारी शादी प्यार के बेसिस पर नहीं, मुझसे गुस्सा होने की वजह से हुई। कहाँ जा रही हो तुम? आना मेरी बात समझो। मैं अनंत के पास जा रही हूँ, मुझे पता है अनंत कहाँ है। उससे क्या होगा? ना समझे मैं कोई ऐसा काम मत कर रहा, प्लीज वरना ये सब खो दोगी तुम। मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे अनंत चाहिए। मैं अनंत को नहीं खोना चाहती। गलती मेरी है, मुझे सब कुछ पहले बता देना चाहिए। तो गॉड, फिर क्या होगा? सच बताकर क्या होता? ये सब नहीं होता। नो, कभी कभी सच छुपाना अच्छा होता है। गुप्ता ने भी कोशिश कर ली ना सच बताकर, क्या मिला? खो दिया ना अपना बेटा। आपको नहीं पता कि अनंत और गुप्ता अंकल में बहुत डिफरेंस है। फर्क है लेकिन एक सिमिलैरिटी है आना, दोनों मर्द हैं और दोनों में एक ईगो है जो एक जरा सी चोट से टूट सकते हैं। तुम जो बोलोगी ना तो अनंत का तुम्हारे ऊपर से भरोसा निकल जाएगा। अनंत तुम पर कभी यकीन नहीं करेगा। ट्रस्ट मी आना, मर्दों की सोच को मैं तुमसे बेटर जानती हूं। तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं, तुम्हारा ये फालतू सच जाकर उनको बताना या फिर एक खुशहाल शादी। और तुम जो चूज करोगी ना वही अनंत का सच होगा। वो तुम्हारा सच समझेगा और मान जाएगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो मैं तो अनंत से कह देती कि रेहान झूठ बोल रहा था। आना इतना मत सोचो, भावनाओं में बहकर कोई गलत फैसला मत लो, सही फैसला लो। और ये याद रखना, जो पल जिंदगी का रुख मोड़ सकता है ना वो पल कभी दोबारा नहीं आता। प्लीज आना। क्या रियान सच बोल रहा है कि तुमने मुझसे शादी लैला से बदला लेने के लिए की? कुछ मत कहना आना। बोलो आना, रियान झूठ बोल रहा है या सच? उसे रेहान ने सच बताया है। रेहान ने उसे ये बताया है कि तुमने उससे सिर्फ इसलिए शादी की है क्योंकि तुम मेरा घर मुझे छोड़कर जाना चाहती थी। तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं, तुम्हारा ये फालतू सच जाकर उनको बताना या फिर एक खुशहाल शादी। और तुम जो चूज करोगी ना वही अनंत का सच होगा। रेहान ने तुमसे जो कुछ भी कहा
मुझे वो सब प्लीज समझाने दो। आनंद, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आना बस, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ और उसका जवाब हाँ या ना में देना। क्या रियान सच बोल रहा है कि तुमने मुझसे शादी लैला से बदला लेने के लिए की? कुछ मत कहना आना। बोलो आना, रियान झूठ बोल रहा है या सच? बोलो आना, क्या तुमने लैला से बदला लेने के लिए मुझसे शादी की? ये शादी तुम प्यार के लिए नहीं कर रही आना, नफरत के लिए कर रही। जो नफरत तुम मुझसे करती हो, उस नफरत के लिए शादी कर रही हो तुम। मुझे जलाने के लिए खुद को आग लगा रही हो तुम। हर सवाल का जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता अनंत, ये इतना सिंपल नहीं है। प्लीज एक बार जो मैं कहना चाहती हूँ मुझे कहने दो अनंत। अनंत प्लीज एक मौका तो दो मुझे कहने का, प्लीज। तुम जो कहना चाहती हो कह देना, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब हाँ या ना में दो। हर सवाल का जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता अनंत, ये इतना सिंपल नहीं है। प्लीज एक बार जो मैं कहना चाहती हूँ मुझे कहने दो अनंत। अनंत प्लीज एक मौका तो दो मुझे कहने का, प्लीज। तुम जो कहना चाहती हो कह देना, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब हाँ या ना में दो।